बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस, और कॉनिक सेक्शंस में हम एक्सरसाइज नंबर 6.8 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.8 के पहले दो क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कवर किए हैं, और एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। स्टेटमेंट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें जो है कुछ पार्ट्स की बना इसके, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन रेफर्ड टू द न्यू एक्सिस obtained by rotation of axis, ठीक है, about the origin through the given angle, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें कि हमें कहा गया है कि जो भी आपको पार्ट गिवन है उसमें आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वेशंस गिवन है आपको, लेकिन आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है रोटेशन के हिसाब से। मतलब अगर आपको एंगल दिया हुआ है कोई भी वैल्यू, ठीक है, आपने एक्सिस को रोटेट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मतलब कि फाइंड द इक्वेशन रेफर टू द न्यू एक्सिस, यानी कि न्यू एक्सिस जो आपके पास रोटेशन के बाद बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है। और जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पार्ट नंबर 1 में हमें इक्वेशन गिवन है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन गिवन है। और एंगल ऑफ रोटेशन भी हमें गिवन है जो कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। मतलब कि हमारे पास जो भी एक्सिस है एक्स वाई एक्सिस, उसको हमने 45 डिग्रीज जो है वो रोटेट करना है, ठीक है, पॉजिटिव 45 डिग्रीज। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो हमने यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो चले हम फाइंड आउट करते हैं किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि एंगल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है 45 है, और इक्वेशंस भी हमें पता है, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, ठीक है, वो हमने लेक्चर में कवर किया था कि x is equal to x cos of theta minus y sin of theta, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है y is equal to x sin of theta plus y cos of theta, ठीक है, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, और यानी कि इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसे कहा जाएगा। और एंगल जो है थीटा है जो कि 45 डिग्रीज के इक्वल है, जिसके यानी कि जितना हमने रोटेट करना है एक्सिस को, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम अगर एंगल की वैल्यूज पुट करें तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमारी बन जाती हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉज ऑफ 45 डिग्रीज प्लस बल्कि माइनस है यहाँ पर माइनस वाई साइन ऑफ 45 डिग्रीज। इसी तरह से स्मॉल y इज इक्वल टू x साइन ऑफ 45 डिग्रीज प्लस y कॉज ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है, ये मैंने एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, x इज इक्वल टू आ जाता है x इज इक्वल टू 45, बल्कि ये x है, ये x एज इट इज़ आ जाएगा, cos 45 आपको पता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस y इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये हमारे पास जो है इनकी sin 45 और cos 45 की वैल्यूज मैंने यहाँ पर यूज़ की, और ये हमारे पास x इज इक्वल टू ये आ चुका है। उसी तरह से y इज इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो y इज इक्वल टू आ जाता है x sin ऑफ 45 डिग्रीज जो कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है उसकी वैल्यू, प्लस y एज इट इज, और cos 45 डिग्रीज भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद जो है क्या करेंगे,
कि इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन के अंदर, मतलब जो है स्मॉल एक्स जो है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो वाई की जगह हम ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे अपनी जो गिवन इक्वेशन एक्स वाई इंटू इज इक्वल टू 1 में। तो चलें हम पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, और कौन सी इक्वेशन में, जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, और यहाँ पर मैं रेफर भी कर देता हूँ कि इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं। तो चले हम इसमें पुट करके देख लेते हैं, x इंटू वाई है तो x इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। उसी तरह से इंटू y है और y किसके इक्वल है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब कि इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इस इक्वेशन को आप देखें, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसका एलसीएम ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाता है, एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया और ऊपर न्यूमरेटर में एक्स माइनस वाई आ जाएगा, वही टर्म्स मैंने यहाँ पर यानी कि एलसीएम लेके मैंने सॉल्व करके या सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसको मैं अगर राइट साइड पे ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन जाता है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें इस क्वेश्चन में कहा गई है, ठीक है, फाइंड करने को कहा गया। तो इसी तरह से हम इसके, यानी कि ये तो पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जो इक्वेशन चेंज है इसमें और एंगल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है 7x² माइनस 8xy प्लस y² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन है विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन या विदाउट ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू जो गिवन है, थीटा इज इक्वल टू आर्क टेन ऑफ टू, ये थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो आर्क टेन ऑफ टू से हम ये कह सकते हैं कि आर्क टेन ऑफ टू से, यानी कि अगर टेन यहाँ पर लें तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाता है, ठीक है। और इसको अगर मैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा बन जाता है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों साइड पे अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, अगर हम कहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये हम अगर राइट साइड पे ले जाएं तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जो है कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, 1 इज इक्वल टू 5 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, सपोज मैं इसको कहता हूँ 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 और 5 के, और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए क्योंकि हमने एंगल ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज चाहिए होंगी, इसलिए मैं यहाँ पर कॉस थीटा फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 बनता है, ठीक है। दोनों साइड पे मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये स्क्वायर ख़त्म करना है। अभी हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब हमने जो है साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो साइन थीटा आप यहाँ ऊपर देखें, अगर ये अगर आपको इक्वेशन याद हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा है, तो इसमें हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ
कि साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 2 cos थीटा, ये मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी। अब इसमें हम cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू है 1/√5। ठीक है, मतलब कि रिजल्ट में हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2/√5। अच्छा, ये साइन थीटा हो गया और ये हमारे पास cos थीटा हो गया। अब साइन थीटा और cos थीटा ये तो दोनों हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हम इनको इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस लिखता हूँ, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में भी लिखी थी, x इज इक्वल टू x इंटू cos थीटा माइनस y इंटू sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की, चलें इससे पहले मैं y की भी लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू x इंटू sin थीटा प्लस y इंटू cos थीटा। ठीक है, अब हमने sin थीटा और cos थीटा की इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं, कर देनी है अभी, तो चलें हम पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू 1/√5, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू माइनस y इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है 2/√5। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने से हमारे पास ये वैल्यू बनती है, मतलब इसका आप एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये x माइनस 2y/√5 बन जाता है। इसी तरह से फिर y में भी हम पुट कर देते हैं, y की इक्वेशन में y इज़ इक्वल टू x इंटू 2/√5 प्लस y इंटू 1/√5। ठीक है, तो इसको भी आप जो है एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें तो एलसीएम तो √5 बनता है और ये 2x प्लस y के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ अब हमने क्या करनी है, हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है यानी कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमने पुट कर देनी है। तो इस गिवन इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन आप देखें क्या इक्वेशन है जी, 7x2, बल्कि मैं यहाँ पे इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ, 7x2 माइनस 8xy प्लस y2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो हम x की जगह उसकी वैल्यू और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 7 इंटू इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू x, और x की सेम वैल्यू x माइनस 2y ओवर √5 इंटू y की वैल्यू है 2x प्लस y डिवाइडेड बाय √5, और सेम y2, अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी जो यहाँ पर हमने लिखी हुई है 2x प्लस y डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये मैंने इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में से मैंने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की थी वो मैंने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से बल्कि हम इसको इस तरह करते हैं कि ये बन जाएगा 7x2 माइनस 28xy प्लस 28y2 माइनस 16x2 प्लस 24xy प्लस 16y2 प्लस 4x2 एंड प्लस 4xy प्लस y2 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाती है, अगर हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है माइनस 5x2 प्लस 45y2 माइनस 45 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको हम
एक्स बल्कि इससे हम डिवाइड भी कर दें अगर फाइव से तो ये बन जाता है, बल्कि माइनस फाइव से डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है जो कि हमने इसकी रोटेशन की है थीटा इज इक्वल टू आर टेन ऑफ टू के मुताबिक। ठीक है, तो ये हमारी पार्ट नंबर टू था क्वेश्चन नंबर थ्री का। तो बाकी पार्ट्स भी आप इसके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स मजीद हैं वो आप बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है फोर और उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल आपने फाइंड आउट करना है थ्रू विच द एक्सिस बी रोटेटेड। ठीक है, मतलब जिससे जो है किस एंगल पे अगर हम रोटेट करें तो क्या होगा, सो दैट द प्रोडक्ट टर्म है एक्स वाई, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में आएगी, इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमने वो एंगल फाइंड आउट करना है जिस पे अगर एक्सिस को रोटेट किया जाए तो हमारे पास जो ये टर्म है एक्स वाई वाली टर्म ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में जो आएगी वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और दूसरा ये कि ट्रांसफॉर्म इक्वेशन भी आप फाइंड आउट करें। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह है, उसमें ट्रांसलेशन की बात थी, यहाँ पर रोटेशन की बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। तो इसमें हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें भी तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस टेन वाई स्क्वायर माइनस एलेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर वन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि देखें ये इक्वेशन हमें गिवन है विदाउट रोटेशन या विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने इसको ऐसे एंगल पे रोटेट करना है एक्सिस को कि हमारी इक्वेशन में से, यानी कि जो एंगल पे मैं अगर रोटेट करता हूँ, ठीक है, किसी एंगल पे, तो हमारी इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, और वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक्स वाई टर्म, अब जिस तरह से ये एक्स वाई टर्म है, ठीक है, उसी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में भी एक्स वाई टर्म जाएंगी, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो वहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए। तो वो हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है और साथ ही हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि सपोज कर लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल, ठीक है, थीटा बी द एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास इक्वेशन जो एंगल ऑफ या इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है, ये होती है ना एंगल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। ठीक है, तो इन इक्वेशंस में अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशंस या ये वैल्यूज़ आप कह सकते हैं x और y की वैल्यूज़ हैं, अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करने से हमारे पास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। तो या पुट कर दें टू इंटू एक्स cos थीटा माइनस वाई साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर और प्लस सिक्स है इंटू एक्स वाई है, एक्स की पहली वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है, इंटू वाई है और वाई की वैल्यू आपको पता है एक्स साइन थीटा है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस ऑफ थीटा। तो ये एक्स वाई हो गया प्लस टेन वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू भी हमें पता है किसके इक्वल है, y की वैल्यू इसके इक्वल है x sin थीटा प्लस y cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और 10 वाई स्क्वायर हो गया माइनस 11 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी एंड पे वो ये इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर इंटू 2 cos² थीटा प्लस 6 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 10 sin² थीटा। ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसके अलावा एक्स वाई वाली टर्म प्लस एक्स वाई इंटू माइनस 4 sin θ इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और प्लस 6 cos² थीटा माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 sin θ cos θ sin θ into cos θ। और ये हमने जो है एक्स वाई टर्म लिखी है, उसके अलावा जो है वाई स्क्वायर वाली टर्म भी है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 sin² थीटा माइनस 6 sin θ इंटू कॉस थीटा प्लस 10 cos² थीटा, ठीक है, और माइनस 11 ऑलरेडी कांस्टेंट वही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आई है, जिसमें से एक्स वाई वाली टर्म जो है, एक्स वाई वाली टर्म ये है, ठीक है, ये पूरी टर्म जो है एक्स वाई वाली टर्म है। अगर ये एक्स वाई वाली टर्म के साथ जो कोफिशेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो हो, तब जाके हमारे पास जो है यानी कि एक्स वाई वाली टर्म रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ माइनस 4 sin θ माइनस 4 sin θ, ये मैं जो है कॉफिशेंट लिख रहा हूँ एक्स वाई वाली टर्म का, ठीक है, एक्स वाई वाली टर्म का, इंटू कॉस थीटा प्लस 6 cos² थीटा माइनस 6 sin² थीटा प्लस 20 sin θ cos θ इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये ज़ीरो होगा, तो हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म जो है वो रिमूव होगी, देन एक्स वाई टर्म विल बी रिमूव। ठीक है, तो ये यानी कि ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन से आप जो है इसमें से थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थीटा फाइंड आउट करके आप दोबारा से इसमें जो है ये ज़ीरो पुट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड टर्म भी आ जाएगी या रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आ जाएगी जो कि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, उसके अलावा जो कंडीशन होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे बहुत आसान है, इसको सिर्फ आपने सॉल्व करना है और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इस लेक्चर का टाइम कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ, और जो है यहाँ एक्सरसाइज 6.8 भी यहाँ पर एंड होती है।